Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. और आज हम वापस बात करने वाले हैं प्रीमियर प्रो के बारे में। पिछली बार जब मैंने प्रीमियर प्रो की वीडियो बनाई थी तो एक कलर ग्रेडिंग के ऊपर बनाई थी, जो एक थोड़ा डीप टॉपिक हो गया। आज हम बात करने वाले हैं ओवरव्यू के बारे में। ये वीडियो एक बहुत ज़्यादा बेसिक वीडियो होने वाली है प्रीमियर प्रो के ऊपर। लाइक मैं प्रीमियर प्रो का थोड़ा ओवरव्यू दूंगा एंड लाइक हाउ टू यूज़ द सॉफ्टवेयर। बहुत ज़्यादा बेसिक फंक्शन मैं आपको बताऊंगा जिससे आप आपकी एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हो, आपकी एडिटिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। और आज की वीडियो में जो आपको मैं बताने वाला हूँ ना, उसका मेरे को आधा भी नहीं पता था जब मैंने एक्चुअली प्रीमियर प्रो यूज़ करना स्टार्ट किया था। मैं जस्ट सर्च करता था गूगल के ऊपर कि हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, और यूट्यूब पर जाकर कोई भी एक टॉपिक के ऊपर वीडियो देखता था। और फिर वैसे मैंने एडिटिंग करना स्टार्ट किया। लाइक मैंने कोई भी बहुत बड़ा एक कोर्स नहीं किया प्रीमियर प्रो का। प्रीमियर प्रो के बहुत बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, मैंने वैसा कुछ नहीं किया। सो पहले हम जाते हैं अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्रीमियर प्रो के ऊपर। सो जैसे मैं प्रीमियर प्रो ओपन कर लेता हूँ, यू कैन सी दिस इंटरफेस। ये सारी वीडियोज़ है वो सब वीडियोज़ है जो मैंने एक्चुअली एडिट किए थे। अगर मैं इन वीडियोज़ पर क्लिक कर देता हूँ, सो आई कैन एक्चुअली गो ऑन दैट वीडियो एंड एडिट देम अगेन। और ओपन प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन है, वहाँ से हम पुराने वीडियोस ओपन कर सकते हैं। बट हम न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे और फिर हम यहाँ से कुछ नाम रख सकते हैं, मैं कुछ रखता ही बेसिकली। और डीवी और एचडीवी, इसमें मैं एचडीवी रखता हूँ और जो सारे सेटिंग्स है उसको मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ, है वो है। और फिर उसके बाद ओके, सेव एज एंड ओपन प्रोजेक्ट। ओके, अब जैसे ही आप प्रीमियर प्रो में एंटर कर लेते हो, यू कैन सी कि यहाँ ऐसा पूरा इंटरफेस है। सो लर्निंग में आपको प्रीमियर प्रो की गाइड है जहाँ से आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो। असेंबली में अगर आप चाहते हो तो वहाँ से आप असेंबल कर सकते हो। आपको एक बहुत बड़ा ऐसा जगह मिलेगी जहाँ से आप फाइल इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आप फाइल इंपोर्ट कर सकते हो। एडिटिंग में आपको बेसिक एडिटिंग आप कर सकते हो। कलर्स में आप कलर करेक्शन कर सकते हो। इफेक्ट्स में आप ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स और वो सब इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो, लाइक साउंड इफेक्ट्स एंड ऑल दैट। ऑडियो में आप ऑडियो एडिट कर सकते हो। ग्राफिक्स में आप टेक्स्ट और वो सब ऐड कर सकते हो। ओके, सो हम पहले तो क्या करेंगे, इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें कुछ वीडियोस इंपोर्ट करने के लिए। सो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। बट बेसिकली मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं फाइल्स में जाता हूँ और वहाँ से डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, जो मुझे वीडियो चाहिए वो मैं डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ एंड डन। इस एरिया को टाइमलाइन बोलते हैं। सो अगर आपको टाइमलाइन पर वीडियो लाना है तो आपको सिंपली इस वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। अब एक मिनट वापस करता हूँ। ओके, लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। ओके, सो ये वीडियो टाइमलाइन पे आ जाती है फिलहाल तो इसी में। सो आप देख सकते हो कि हमारी जो वीडियो है वो टाइमलाइन पे आ चुकी है। अब हमें करना है बेसिक एडिटिंग। ओके, सो अगर ओके, सो अब हम यहाँ आ चुके हैं और मैं यहाँ के थोड़े टूल्स में आपको बता देता हूँ। पहला ये टूल है सिलेक्शन टूल। ओके, सो ये सिलेक्शन टूल से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी, लाइक कैसे रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है रेजर टूल। इससे क्या होता है, बेसिकली हम वीडियोज़ को स्प्लिट कर सकते हैं, कट करके स्प्लिट कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं। एंड आपको पता ही होगा कि स्प्लिट करना एडिटिंग में कितना इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। उसके बाद ये है पेन टूल। पेन टूल है वो बहुत ज़्यादा एडवांस टूल है। लाइक आप मास्क क्रिएट कर सकते हो, सिलेक्टिव एडिट कर सकते हो और वो सब कर सकते हो पेन टूल के हेल्प से। बट फिलहाल तो मैं नहीं करने वाला वो सब। हैंड टूल, अब ये हैंड टूल है, उससे आप वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इससे आप टाइमलाइन है उसको थोड़ा, एक अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूँ तो टाइमलाइन को हिला सकते हो और बहुत सारे अलग अलग काम हैंड टूल से भी आप कर सकते हो। अब आते हैं इफेक्ट्स के ऊपर। ओके, सो बेसिक इफेक्ट्स में आपको बता देता हूँ। जैसे आप इफेक्ट्स के ऊपर आते हो तो ये इससे आप प्रीसेट्स ऐड कर सकते हो। ये प्रीसेट्स वाले ऑप्शन से आप बहुत सारे प्रीसेट्स ऐड कर सकते हो। ल्यूमेट्रिक प्रीसेट्स से आप ल्यूमेट्रिक प्रीसेट्स, मतलब कलर, जो कलर ग्रेड वाले लट्स होते हैं और वो सब चीज़ें होते हैं, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ऑडियो इफेक्ट्स से आप ऑडियो इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। ऑडियो ट्रांजिशन से आप ऑडियो ट्रांजिशन इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। वीडियो इफेक्ट्स लाइक ग्लिच इफेक्ट और वो सब वीडियो इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो, वीडियो ट्रांजिशन और ये सब चीज़ें। ओके, वो आपको इफेक्ट्स में देखने के लिए मिलेंगी।
ऑडियो में जैसे आप आते हो तो आप यहाँ से ऑडियो कंट्रोल कर सकते हो। आप आते कलर्स में, मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाला कलर्स के सेक्शन के ऊपर बिकॉज मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। बहुत बार क्या होता है कि आप एक सिचुएशन में हो और आपको सेम एडिट हर वीडियो में करना होता है। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं जो मेरे वीडियोस बनाता हूँ उसमें मैं एक लाइट कंडीशन में बैठ के वीडियोस बनाता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, मैंने ऑलरेडी मेरे अलर्ट्स बना के रखे हैं और मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको ब्राउज में जाता हूँ और फिर वहाँ से मैंने जो अलर्ट्स बनाए हैं, जो मैंने एडिटिंग ऑलरेडी की है उसका एडिट मैंने सेव करके रखा है और ये सब है वो। सो ये लेटेस्ट वाला है आ रहे और फिर उसको मैं यूज़ करता हूँ। एंड यू कैन सी कलर ग्रेडेशन, कलर ग्रेडिंग ये सब हो गया है। बट मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि अगर देखो, अगर बहुत सारे कट्स है आपकी वीडियो में लाइक दिस, तो वो हार्ड हो जाता है कि आप एक वीडियो पे लट डालते हो, दूसरे वीडियो पे लट डालते हो, तीसरे वीडियो पे लट डालते हो, ऐसे कर करके बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और फिर उसके बाद न्यू आइटम में जाकर एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर देता हूँ। फिर इस एडजस्टमेंट लेयर को मैं सारे क्लिप के ऊपर ऐसे लगा देता हूँ और फिर इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर मैं एडिट करता हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ वापस वो लट लगा देता हूँ, सो यू कैन सी कि अब सारे क्लिप्स पर एडिट हो चुका है। ओके हाँ, अब आते हैं इफेक्ट्स कंट्रोल के ऊपर। अब ये इफेक्ट्स कंट्रोल वाला जो पैनल है वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट पैनल है। सो आप वहाँ यहाँ से पोजीशन कर सकते हैं वीडियो को, स्केल कर सकते हैं वीडियो को, रोटेट कर सकते हैं वीडियो को और बहुत सारे चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आप कोई इफेक्ट ऐड कर लेते हो सो यहाँ से आप वो इफेक्ट कंट्रोल कर सकते हो। एंड बस इतना ही, यही था ओवरव्यू प्रीमियर प्रो का। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई नो बहुत ही ज़्यादा बेसिक वीडियो थी बट आई होप दिस वीडियो मे प्रोवाइड सम वैल्यू टू यू। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।